हेलो, वेलकम टू फूड एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ सहर और मैं हूँ मनीबा। और आज हम आपके लिए जो डिश लेके आए हैं जल्दी से बनने वाली है क्रोकेट्स। ओके। क्रोकेट्स बनाने के लिए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। ठीक हो गया। इसमें मैंने सबसे पहले लिए हैं दो आलू। ओके। मैंने बॉईल करके मैश कर लिए। ठीक हो गया। उसके साथ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मायोनीस। ओके। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ओके। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ओके। उसके साथ चाहिए मुझे 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। ओके। और साथ में मैंने थोड़ी सी चीज़ ली है, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया। आप चाहो तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट सकते हो। ओके। ठीक है, अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ओके। सबसे पहले मैं ये आलू लूँगी जो बॉयल होकर मैंने मैश किए हुए हैं। ओके। इसके अंदर मैं ये मायोनीज ऐड कर दूँगी। ओके। 2 टेबल स्पून मायोनीज लिया आपने? हाँ जी। उसके साथ मैं इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। ओके। साथ में सॉल्ट। ओके। और उसके साथ ये व्हाइट पेपर। ठीक हो गया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर। ओके। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ओके। इस तरह करके मैंने किया है ताकि जो आलू है वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। ठीक हो गया। अब ये इसका अच्छा सा मिक्सचर बन चुका है। ठीक हो गया। अब हम इसको शेप देंगे। ओके। शेप देने के लिए मैं इस बैटर को हाथ पे रखूंगी। ओके। थोड़ा सा इसको ऐसे करके हिला दूंगी। ठीक हो गया। जितने बड़े आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप ले लें। ओके। ठीक है, उसके बीच में मैं थोड़ी सी चीज़ रखूंगी। चीज़ भी आप उतनी रखें जितनी आप लोग पसंद करते हैं। ठीक हो मैं गया। इतनी इतनी रखूं। ओके। इसको फोल्ड कर देंगे। ओके। और इसको ओवल शेप में हम बना। ठीक है। ज़्यादातर ये ओवल शेप में ही होते हैं। ओके। रेडी हो गया। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। ओके। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एग एंड ब्रेड क्रम्स लगा के कोटिंग इसको कोटिंग करके इसे फ्रिज में रख देंगे। okay. और फ्राई करने से पहले बस इसको फ्रिज से निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ठीक है। ये सारे मैंने बना लिए। ओके। अब इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है। कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए। ओके। और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए। ओके। ठीक है, इसको मैं एग में डिप करूंगी। ओके। देखें ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से इन्होंने स्प्रेड किए और इसी तरह मैंने इसको कोट कर दिया है। okay. अब मैं बाकी सब भी इसी तरह से ही कोट करूंगी और फिर okay. इसको फ्रिज में रख दूंगी और शाम को अफ्तारी के टाइम हम इनको फ्राई कर लेंगे। ओके। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। okay. मैंने फ्रिज में रख दिए थे पहले। ठीक है, अब इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ऑयल okay. गर्म है और फ्लेम मैंने लो कर दी है। ओके। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ओके। ठीक करके ऐसे ही डालूंगी सारे। ठीक है, गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल दूंगी। ओके। ये हो गई हैं। okay. ये मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया। कलर आ गया और ये हम निकाल देंगे। ये देखें, ये अब रेडी हो गए हैं। आप लोग भी बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसा बना है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।